आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। इस चुनौती के अंदर कहा तो ये जा रहा है कि किसान आंदोलन, लेकिन मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये मजदूर किसान व्यापारी आंदोलन है। क्योंकि आप सोचे कि यदि देश का किसान नहीं रहेगा तो मजदूर मजदूरी कहाँ करने जाएंगे, और यदि मजदूर मजदूरी नहीं करेंगे तो किसान भी नहीं है, तो ये दोनों मिल गए। उसके बाद आप देखो व्यापारी, हमारी आड़त जो है वो किसानों से चलती है, तो व्यापारी भी मारा गया। आप ये सोचो कि कौन सा वर्ग जिंदा रहेगा। यदि ये काले कानून लागू हो गए तो हर वर्ग के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। किसानों ने ये बेड़ा जरूर उठाया है कि काले कानून वापस कराएंगे, लेकिन दरअसल ये बेड़ा हर वर्ग का है। आज हमारे सामने, हर वर्ग के सामने ये बड़ी चुनौती है। और जहां तक मैं एलनाबाद हलके की बात कहूं, तो आप लोगों के पास एक ऐसे शेर है, कहते हैं ना अभय सिंह जी चुटाला, ना केवल भाई साहब ने बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एलनाबाद का नाम हिंदुस्तान के पटल पे ला दिया। जहां कहीं भी पूछा जाता है कि कौन एमएलए है, ये अभय सिंह जी चौटाला है, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पोते। और कौन सी जगह से एमएलए है, तो कहा कि एलनाबाद से। तो बोले एलनाबाद से इन्होंने इस्तीफा कैसे दे दिया। तो मैं ये बधाई देना चाहती हूँ, और मैं फक्र से कहती हूँ एलनाबाद के ऐसे दबंग लोग हैं जो कहते हैं ना एक ही चीज थी, इन्होंने वो भी अपने दांव पे लगा दी। और बड़े मान से भाई साहब को कहा कि आप किसानों के साथ खड़े हो, जो आपका फैसला हमारा फैसला है। और भाई साहब ये भी आपको वायदा करते हैं, चाहे आप किसी को भी भेज देना, एलनाबाद में आपके साथ हम दिन रात खड़े मिलेंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता को ये संदेश दिया एलनाबाद ने कि यदि आपका एमएलए चाहते हैं, आपके एमएलए अगर आपके दिल के करीब हैं, तो वो आपके साथ खड़े होंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगी यहाँ से कि कल मैंने सुना है शैलजा जी आ रही हैं, तो मैं थोड़ी सी भागड़ी में जरूर बोलूंगी, क्योंकि थोड़ी के आगे का भाषण भी भागड़ी में बोलूंगी। एक किस्म से भाषा यही है भागड़ की। तो फिर एक ही बात मैं पूछ रही हूँ कि ठेलिया को भी मैं किसाना में सबका एक इस्तीफो बना दो, कांग्रेस पार्टी के किसी एक मेंबर को इस्तीफो बना दो, भी देखो किसाना खातर से देगे मार सबका आ गया। एमएलए पद तो बहुत बड़ी चीज है, तो फिर बन कही उसे झारखंड इस्तीफो है ते दिराओ थारी सारी पार्टी ने, मैं थाने एलनाबाद वोट देशा, और मैं थान को मैं थाने रोकूंगी कोई। लेकिन वे ठंडा राजनीति करना है, आज उतना कौन आया भी किसाना खातर है। जी अठो इस्तीफे की शुरुआत होगी, सारी पार्टियां अठे आगे भी मैं किसाना के सगा, मैं किसाना सगा। तो ते ही कह दियो कि एक मुल्ला के अठे कोई इसी माता बहन को नहीं हो सी, अपना एक अख दिखाए करा आप मुल्ला के कईया सारिया दिखाए हो सी, कोई भैंस का दिखा गया ही है, कोई भाई कोई टावरा में दिखाई, अखा तो दिखाया ही है, तो मनखा है। पर अब तो एक चीज सोचो, एक किसान आंदोलन में बीजेपी का जेजेपी का किसा काका उगड़िया उगड़ गया होला एन आगे सामने अपने, फिर आख देखनी हो थाने एक बात और कह रहे कभी वो इलाज बताओ, एक अच्छा भूत जे ला रहे पड़जे बांगो की तो इलाज ही होता हो लो, तो वो फिर कह भाई इलाज तो थोड़ो दूर है, पर चिमटा हूं तो इलाज हो जाए करे। थार कने चिमटा है, थार कने डंडे है, तेल लागे रखो, और मैं फेरकूंगी फेर कोई इन कोई इन चीज पर विरोध कर सी मेरी बात पर मैं गरीब बार देख लियो, तीन महीनों किसाना देख लिया, मां हाथ जोड़ लिया, कैपन दे लिया, मां आपके बच्चा को वास्तव दे लियो भी मारी नस्ल खत्म हो जैसी, पर आगे कोई जो कौन रहूंगी। तो अब आपने कहने की चीज है, हाँ मेरी बुढ़ी बुजुर्ग माता बेटी वहां गए, अब एक ही चीज है, नहीं मैं सारी चीज याद ले आई, एक चीज बची है। अब जब कोई धार के ना आवे तन ली बात तो आनो ही नहीं चाहिए।
और जे आवे तो क्या जब भी मेरा खा दिखाया मैंने इलाज हो ही बताए और कोई इलाज है ही कोई अब थे मानो तो मान जाओ और जे नहीं माना तो फिर बालकन इलाज है। अब आगे बात आगे कही है क्या कि अभय सिंह जी चौटाला इस्तीफो देंगे और भाई राजनीति करना चाहे तो भाई मैं यहाँ के सिवा तो अच्छी राजनीति है जेका आपके लोगों खातर आपके लोगों की भावना समझे जेका किसानों का दर्द न समझे तो भाई इसी अच्छी राजनीति तो सारा नहीं करनी चाहिए तो राजनीति तो ही नहीं कह करे भी देखो आपका मैं सारा खड़े हुए बाकी तो थे बकवास करो थे तो लूटो थे तो वोट लेके दिखो ही कौन बस लिता दुगन करी दिख जे भी है तो दिख सी कौन पर जे दिख जे तो भी पूछियो तो सही भी ये किसानों के हक में है कांग्रेसी उकसा रहे हैं बहुत सारे उनके बयान आए थे आज एक ही बयान कौन आया भाई वो क्यों कौन आया था ये बताओ तो सही यहाँ कानून को किन की मान समझाओ ते मान पूछियो जरूर। और एक बात है मैं जरूर कहूंगी कि दादाजी उन्हें की सीख ली है असल मायने में तो क्या ओम प्रकाश जी चौटाला के बाद में अभय सिंह जी चौटाला ली है तेया सोचो तेया एक बात और भी जरूर कही होते है कि भाई चलो आज तो किसान आंदोलन है लेकिन कोरोना की महामारी में क्यों करें ना कोरोना की महामारी में भी थारा एमएलए जका पे बना के भेजे है वहां थारो नाम एक ऐसे नेता के रूप में लगे जो कि सबसे ज्यादा जे कोरोना में मदद करी तो वह अभय सिंह जी चौटाला करी। अगर आपकी तनख्वाह 4.5 लाख रुपया महीना जकी एक बार जे तनख्वाह पूरे साल की जे लोगों खातर दी तो वह थारे एमएलए अभय सिंह जी चौटाला ही दी तो अच्छा तो थे एक ही बात कही हो देखो मारो नाम रोशन करो घर में आप भी टाबर नहीं आगे बढ़ाए करो देखो नाम रोशन करे इलेक्शन करके थे देगा तो पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दे दो कि भाई आज जे लोगों ने साडा खड़ा रहोगा तो ही कदर हो सी नहीं तो जुत्ता ही पड़ेगा और डंडा ही पड़े सी। और एक बात और कहूंगी कल दादाजी की जो पुण्यतिथि थी तो आप ही के एमएलए जो पूर्व एमएलए उन्होंने वहां पे एक हॉस्पिटल बनवाया उससे पहले टीकरी बॉर्डर पे बनवाया तो किसानों का दर्द हमें समझ आया तभी तो वहां जाके ये सारे काम हुए। एलनाबाद में जैसे कि मुझसे पहले भागीराम जी ने बताया कि पानी की किल्लत पहले बहुत होती थी पर जब से पिताजी और भाई साहब ने यहाँ पे अपना संभाला है उसके बाद से पानी की किल्लत दूर की है बाकी कोई अपना भला कर ही नहीं सकता बाकी सारे अपनी पॉकेट का भला करते हैं। एक चीज और है एक चीज और ध्यान में रखना अगर भूल से भी बीजेपी अगर और रहेगी कुछ साल तो आप ये सोचो हमारे पास वोट का अधिकार भी नहीं रहेगा। आसाम में जो इलेक्शन लड़ रहा था कैंडिडेट उसी के पास ईवीएम की मशीनें मिली हैं तो ये वहां भी गड़बड़ करते हैं तो ये हमें लड़ाई तो बहुत लंबी लड़नी है लेकिन इसके लिए सहयोग की जरूरत है। आप सारी माताओं बहनों से मैं ये कहने आई हूँ एलनाबाद हल्के में एक बड़ी दिक्कत है कि हमारी महिलाएं एकजुट होकर बाहर कम निकलती हैं। आपको मैं बधाई दूंगी नीमला की जितनी भी आप महिलाएं आई हैं आपने बहुत बड़ा काबिले तारीफ एक हौसला बढ़ाने का काम किया। आपको देख के आसपास के गांव की महिलाएं जागरूक होंगी कहेंगे भी देखो चाहे कुछ ही हो लेकिन उन्होंने एक अपनी दबंगता तो दिखाई। आप लोग यहाँ आज बैठे हैं और मेरे भाई मेरे चाचा तो आपको देख रहे हैं और वो ये कहने के देखो कि आज कितना बदलाव आ गया तो इस बदलाव को हमें कायम रखना है क्योंकि जो समाज है हम कहते हैं भी अच्छा समाज तभी होगा कि ये समाज है ना ये एक पक्षी है इसका एक पंख तो पुरुष लोग हैं उसका दूसरा पंख महिलाएं हैं तो महिला पंख जो है वो हमारा कहीं से भी कमजोर नहीं रहना चाहिए ताकि हम ऊंची उड़ान भर सके। आज हमारे सामने हमारे बच्चों के लिए जो हमारी लड़ाई है उसमें हमें सहयोग देना है जैसे कि सुमित्रा जी ने कहा कि हमें आगे होके अग्रणी होके ये लड़ाई लड़नी है और उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगी।
मोदी है इन्हें किया कौन था लुगाई किया और देख रहा इन्हें आई कौन आज की ई बाहर का रखी है और लुगाइया वो तो इन्हें असल मायने में खाई कौन है तो इंगे समझ बार हो जिसे भी इतनी आगे महिला शक्ति खड़ी हो गई अब मैं आम के करूं तो इंगे ओ समझे कोई तो पहले तो आप अपना काम करिया सा तो आपने आगे आने की बहुत जरूरत है और ना केवल मोदी है जिसका बैठे है सारे ईसाई बैठे है आने की निधार कोनी भी लुगाइया किया हो देख रहे ग्राम तो ना आने घर का खर्चा मोटा अब के सिलेंडर देखो कि पहला सिलेंडर बांट दिया अब इतना महंगा कर दिया बताओ आगे सिरमा मारांगे दे एक चीज और है कि अंतर है कि 15 लाख खाते में आसी 15 लाख आसी दो प्लान हो गया ना है अजय तो ही कौन है किंगी बेटी ब्याह नहीं बाय दिक्कत अभी कोई आज तो बैठा ब्याह ले किंग कोई कोई काम अटक रहे हो तो अजय तो ही कौन है फिर क्या क्या अगर आज सी तो भैया अपने कहावत है गौर पाछे गागरो मार कसम के सिर में फेर नहीं हो कर सके अब तो नया दिन आगे के आसी रागा आज सी तो हमारे काम के आसी जिका मौके पर ही चीज ना आवे तो ऐ सारी चीज थे समझो आने की है कि दादाजी तो ये कहता था ने गम में ना बढ़न दियो दादाजी एक चीज और भी कहता भाई ये कहता जिनका दरखत पर पोचरी बैठ जाए वो दरखत सूख जाए तो दादाजी ने कहता भारतीय जनता पार्टी इसी पोचरी है ऐ जठे आ गया बटे कहर वर्षे को अच्छा देखो ये देश पर बैठ गया और जगह देश पर बैठ गया तो आपनो फर्ज बने आपा इन देश में सुकून कौन देनो और आपा बहुत डट के मुकाबलो करनो है तेज के सारे में सारा देख लिया के मैं सागे दिल्ली चलूंगा जितना है तो मेरा किसान भाई खेतन काम कर सी क्यों काट सी नहीं थे दिल्ली चालियो एक आधी नैया कौन को सारी एक आधी मैं फिर रोटी कटू खासी चार चार पांच पांच घर की लड़के चाली एक लुगाई छोड़ जियो जो चार पांच ना रोटी बना दे या कौन का फिर मैं मेरे सारे एक ऐसी भी ठेके करके रखा आगे है ये तो सारी तैयार होगी ये है चार ग्राम दो लुगाई तीन लुगाई थे जरूर मेरे सागे चालियो अपना दिल्ली चाल है और जागे जे दापो आपन लिम बाने सुना सन एक तो पहली बात तो भी समझ ही को नहीं आसी और वो समझे को इतन तो आपा फिर कैसे बैठी है मारे आपा तो फिर जे मैं फिर भी जे मेहमान सी तो आपा अपना डांगा ढोल लेके भी बैठना जागे टिकरी पर मैं देख गया हूं सिंह ऊपर देख गया हूं पूरो गांव बसरी है कि नहीं कोई परवाह को नहीं मैंने ये बोला पीछे का सरदार बैठे देखो सब बड़ी मैं बधाई का पात्र है बाहु आपा बहुत जागरूक होने की जरूरत है जितनी भी बैठी है माता बहना भैया का पुत्र कोई गल नहीं अस्सी डिगो नाले नहीं है तेरो कोई भी चिंता ना करो अति रहना ऐसा बढ़िया घर बना रखे है ऐसी बढ़िया नींद आए बने क्यों कि वे मिलजुल के सो खूब बढ़िया है तो बेटा अपन कोई दिक्कत को नहीं फिर सारी चालो आगे निकलो और एक चीज और आप फिर जितना अगर सागर बैठे हो इतनी सारी जगह अड़ोस पड़ोस में हर जगह आप बात करनी है कि काला कानून वापिस होना चाहिए और जगह आगा जा खाने जिया मेगा बदावड़ा थाने बताया है वे आगा का उनसे सावधान रही हो आपका अपना बहुत मार खाई है अब मार कौन खानी और ना ज्यादा बोलते हुए क्योंकि आज थाने बहुत देर होगी धूप में भी बैठे हो धूप भी है फिर भी अपन ने कोई दिक्कत को नहीं हुई जना मैंने बहुत खुशी है चीज की और जिथे भी महिला पंचायत हो सी कम कम डिस्ट्रिक्ट सिरसा में तो थे इतना सारा का सारा आज सब जब मैं बताओ थे सारा पूछोगा फिर सारा जरूर पूछियो जे कोई दिक्कत हुए तो अगर तार करने बहुत सारा मदद करने वाली सारी मेरी बहना बैठी है कोई भी है मैं आप ही हूँ अगर डिस्ट्रिक्ट सिरसा में हूँ डबवाली में हूँ तो कोई चीज की हुए थे मन जरूर बताइयो लेकिन आना जरूर है क्योंकि इस संघर्ष में आप अपने भैया को बराबर को साथ देना है जे साथ ना देशा ये तो आप बड़ो कह दिया भी माना कच्ची है बराबर को कच्ची है तो भाई इस संघर्ष में भी हमें बराबर को साथ देना है आप ठीक है नहीं जब ही तो बराबरी हो सी थे बराबरी असल मायने में संघर्ष में एक रहे महारानी लक्ष्मी बाई जी ये कोनी पीठ पर बच्चन बांध के निकली दे भी अंग्रेज आ बाकी एक कंपनी हटाने मर जाने दो तीन कंपनियां बिठा दी ले आगे एक अडानी है अंबानी है कोई की है तो इन दो अपन रंग काटनी है और थे एक चीज और कहूंगे अगर कई लोग यह बात भी कह कि अब सिंह जी इलाहाबाद में आज इसी तो मैं रड़क काट देशा तो मैं जगह रड़क काट ही नारा मैं बनना जरूर कह सू एक बात कि थे रड़क काटो मारो भाई साहब बहन काटे करे और इलाहाबाद की जनता बहन काट के देश से तो काट दोगा नहीं
जिका भी थे वो सारा बैंक बैंक कर दियो, क्योंकि किसानों ने नाम पर यासी धारकन है। तो किसान आज इतो परेशान है, जब तो कोई मदद कौन करने लग रहा, लेकिन अब भाई साहब मदद करी है आपने। और मैं मेरे भाई को जरूर नाम लूंगी, नीमले गांव में राम कुमार को नाम मैं जरूर ले सू, क्योंकि नीमले गांव में आज जा गई है। मैं चाहूँ पूरा हल्के में एक मैसेज जाना चाहिए बहन जी कि महिला जो है शक्ति वह बहुत मजबूत है। महिलाएं आगे आगे लाने के लिए कोई चाहिए हमें, तो मैं जरूर मैं थारू प्रॉमिस है भी मैं जरूर थारे गांव में प्रोग्राम हो से मैंने बहुत बढ़िया लागे। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं सारा एक प्रार्थना दोबारा करूंगी कि दादाजी का देखो वो हरियाणा बनाए दो है, इन्हें फिर कायम रख लो है। और ये हरियाणा को एक संदेश आप पूरे हिंदुस्तान में देनो है कि भी जको चौधरी देवीलाल को हरियाणा है दिन अंदर जकी भी कोई कह रहे नहीं गलत नीतियां कोई लागू कौन कर सके, क्योंकि बा आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छी नीतियां ही लागू करी है। दादाजी का तो एक चीज और है कि कई लोग यह कह दे कि दादाजी कभी आपके भाषण में कहता एक कोई आंसी में भाषण में देने लग रहे तो बोले कि भाई तुम लोग नोट छापने की मशीन रखना। तो एक बुजुर्ग वहां पे थे तो नोट छापने की मशीन की बात को कह के तो वो बुजुर्ग आगे आगे साइकिल पे दूसरी जगह चले, तो दूसरी जगह उन्होंने कहा कि तुम भी तुम्हारे पास भी लेके आऊंगा नोट छापने की मशीन। तो जो वो बुजुर्ग थे बोले कि वो इतना छोटा गाँव उसमें भी एक दिन और ये बड़ा गाँव इसमें एक दिन, तो बोले भाई तुम दो दिन रख लेना। तो जब दादाजी ने ये बात बोली थी तो कुछ एक लोगों को ये चीज समझ नहीं आई। आज भी वो इस बात को मैंने देखा, एक कोई टीचर है मास्टर है वो कह रहे थे कि देखो चौधरी देवीलाल जी ने कौन सी मशीन ला दी। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली कि तुम बुड्ढों से पूछो नोट छापने की मशीन है कि नहीं है। आज हिंदुस्तान में हर घर में नोट छापने की मशीन है, वो चौधरी देवीलाल जी ने दी है। बुड्ढों के पास नोट छापने की मशीन देने वाले कौन थे? आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी।